दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है। जिस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक बौद्ध योगी, जिसका नाम मिलारेपा था, वे बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वह इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की तलाश कर सकें। लेकिन कहा जाता है कि उन बौद्ध उद्योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ चमत्कारिक दृश्य देखा, तो उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया। वह कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की अलौकिकता शब्दों से परे थी। दोस्तों, कैलाश पर्वत वे देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है। इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में बांधा जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान है। इसलिए वहां की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी कैलाश पर्वत के उन 10 रहस्यों की चर्चा करेंगे, जिसको जिस किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया। इस कैलाश पर्वत से संबंधित यह बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। आइए जानते हैं कि लोगों के द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बात का सच क्या है। दोस्तों, इसके लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें इस कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए इस कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना, इस बात के पीछे क्या रहस्य है। दोस्तों, इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वह इस जगह से पूरी सृष्टि को संचालित कर सकें। ऐसे में जहाँ भगवान है, वहाँ मानव का पहुँच पाना कठिन है। इसीलिए कैलाश पर्वत एक परम देवत्व का स्थान है, जहाँ किसी व्यक्ति का पहुँच पाना संभव नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। ऐसे में यह परम आश्चर्य ही है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमय शक्ति के द्वारा रोक के जाने के कारण कोई इस कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता है। दोस्तों, अनेक लोगों ने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस पर्वत के रहस्य को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया। उन्हें आभास हुआ कि इस कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है। दोस्तों, लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशाल काय जट्टाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन हैं। कुछ व्यक्तियों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित इस कैलाश पर्वत पर जब वहां के कुछ धर्म गुरुओं द्वारा पहुँचने की कोशिश की गई, तो अचानक सैकड़ों शंख के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंख की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया, तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोक कर वापस आ गए। दोस्तों, भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है, वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यही वह स्थान है जहां से विश्व में बहने वाली तमाम नदियां, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती हैं और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती हैं। दोस्तों, यहां पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि यहां मानसरोवर झील भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष तुल्य है। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है।
कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ रख दिया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलते हैं। दोस्तों, संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी, इसीलिए इस स्थान पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांस से यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती है। भौगोलिक जानकारों के अनुसार इस कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण इस कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि यह कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहां आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और वे इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय यह भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहे हैं अथवा गलत। दोस्तों, इस कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि यह कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है, जिस तिलस्म को देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्ति यहां के रहस्य को रहस्य ही बनाए रखना चाहती है, इसीलिए कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़ने के समान है। दोस्तों, एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि मैं इस अजय कैलाश पर्वत पर चढ़ करके ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते से ही लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों से साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि जब मैंने चढ़ाई आरंभ की तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी थीं, जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी, इसीलिए मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे, मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थीं। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा हो चला था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में यह परिवर्तन देखा तो बेहद घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसीलिए वह कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत दो अन्य चीनी पर्वत ल्हाचौ और होंगचौ के बीच स्थित है। यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमय वातावरण से प्रभावित हैं, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती है। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि यह दोनों अन्य चीनी पर्वत भी कैलाश पर्वत के आसपास में रहने के कारण प्रभावित हैं। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके सारे पापों का नाश होता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यह कैलाश धूप नाम की वनस्पति एक तरह से संजीवनी है जिसको ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को